अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब कोरोना वायरस नहीं आया था तो बच्चे स्कूल जाते थे और मेरा जाना हुआ स्कूल, तो मैंने बच्चों की क्लास में देखा कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। और एज़ यू नो कि मीडिया का दौर है, बच्चे आईपैड भी यूज़ करते हैं, फ़ोन भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इवन बड़े भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये रेमेडी जो है वो बच्चों बड़ों सबके लिए है। अच्छा, ये आईसाइट के हवाले से है, आप लोगों को आईसाइट में प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ग्लासेस लगे हुए हैं मोटे मोटे, या फिर आप की आईसाइट थोड़ी वीक हो रही है, और या फिर आपको बिल्कुल आई साइड आपकी परफेक्ट है, तो भी आप ये यूज़ करें, अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ अर्से पहले हमारी एक मुलाकात हुई थी एक नेवी रिलेटेड फैमिली से, तो उन्होंने हमें ये टिप बताई थी और उन्होंने कहा था कि हमें नेवी में ये एनिसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, इसको सौंफ कहते हैं, और ताकि जो आईज़ हैं बहुत फास्ट हो जाएं और जो नेवी के कैडेट्स हैं वो बहुत दूर तक देख सकें, बहुत इजीली देख सकें। तो आप एज यू नो कि अभी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के आईज़ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहें। इवन मेरी भी बहुत फास्ट आई है, बहुत अच्छी आईज़ हैं, और फिर मैंने ये बच्चों को तकरीबन एक साल से यूज़ करवा रही हूँ ये रेमेडी। अच्छा, आपको करना ये है कि आपको हम वजन आलमंड्स चाहिए, बादाम बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत फाइन क्वालिटी के लीजिएगा, ये अमेरिकन आलमंड्स हैं, मैं वैसे भी अपने बच्चों को देती हूँ और ये मैं इसमें भी यूज़ करती हूँ इस रेमेडी में। अच्छा, मेरा मानना यह है कि जो भी चीज़ आपके पेट में जा रही है वही आपकी अपनी है, तो खाने पीने में या मसालों में या किसी भी ऐसी चीज़ में जो आपके पेट में जा रही है, आप यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके लिए आप बेस्ट चीज़ को यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए, ये हमारे पास रॉक है, इसको रॉक शुगर कहते हैं और उर्दू में हम इसे मिस्री कहते हैं। ये चाहिए, इसका थोड़ा सा शुगर से थोड़ा सा लेस इसकी मिठास होती है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमें ये सौंफ चाहिए। ये हमने तीनों हम वजन ली हैं और इसका हमें बहुत फाइन सा पाउडर बनाना है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इसका एक बहुत फाइन सा पाउडर बना लिया है, ये बहुत फाइन पाउडर है। रोज़ाना आप लोगों को मॉर्निंग में इसकी एक छोटी टी स्पून आपको यूज़ करना है। आप इसको पानी से, दूध से या जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत फाइन पाउडर है। मेरा बेटा तो इसको आराम से खा लेता है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो छोटी है अभी, उसको वो मतलब खाते हुए नखरे करती है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको फील होता है पाउडर। तो मैंने उसके लिए एक इसका हल निकाला है, एक सॉल्यूशन है इसका, मैंने इसको हनी के अंदर मिक्स करके रखा है। देखें, इसकी थोड़ा सा बहुत, ये बिल्कुल रियल हनी है, ये हमने अपने विलेज से मंगवाया था और ये बिल्कुल रियल हनी है, इसमें मैंने इसको मिक्स करके रखा है और ये मैं उसको देती हूँ। और क्योंकि बच्चे को आपको खिलाना है, उसकी ट्रिक्स होती हैं, चाहे आप ये पाउडर फॉर्म में खिलाएं या उसको किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, बहुत सारे लोग जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हैं वो भी यूज़ करें, और जिनकी नहीं है वो भी यूज़ करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में। अच्छा, मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि आपकी आई साइट का लेवल जो है वो कम हुआ है, हमेशा मैंने सुना है कि आई साइट का लेवल बढ़ गया है, आई साइट का नंबर बढ़ गया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप खाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी आई साइट पे बहुत फर्क पड़ेगा और आपका जो नंबर है आई साइट ग्लासेस का वो बहुत कम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप एक दफा ट्राई करें, ये 100% इफेक्टिव टिप है और जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच, आप इसको बनाएं, यूज करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच।